हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु फ्रेंड में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। इसे स्टोरेज यूनिट भी बोला जाता है क्योंकि इसमें डाटा स्टोर किया जाता है। तो अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा कि KB, MB, GB क्या होते हैं। ये प्रत्येक मोबाइल की या तो फिर कंप्यूटर की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे क्या होते हैं और फिर जाने इनका क्या मान होता है, ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मेमोरी यूनिट क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे होता है। तो अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, तो आपको पता होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो वीडियोज होते हैं या फोटो होते हैं, आप किसी भी प्रकार के डेटा होते हैं, वो कुछ ना कुछ जगह घेरती है। आपको मोबाइल में इसे रखने के लिए कुछ चाहिए होता है, आगे के स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए होता है, जिसे हम लोग मेमोरी कहते हैं। तो फिर आपको पता होगा कि इसे चिप भी बोलते हैं। तो इसका फिगर कुछ इस पर होता है मेमोरी और चिप का। तो ये क्या होते हैं कि ये डेटा को स्टोर करते हैं। यानी डेटा क्या होते हैं, जो वीडियोज हैं आपके मोबाइल में, फोटोज हैं, उसे डेटा कहते हैं। और इनको स्टोर करने के लिए चाहिए होता है मेमोरी कार्ड। और इन्हीं मेमोरी कार्ड का जो साइज होता है वो इनमें होता है, KB, MB, GB, TB, PB में। तो सबसे पहले समझते हैं KB क्या होता है। KB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है KB। इसी प्रकार MB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है MB। फिर GB का होता है GB। TB का मतलब होता है TB। PB का मतलब होता है PB। तो चलिए हम लोग अब इसका साइज समझते हैं कितना होता है। देखिए KB, MB, GB को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी जरूरी है। ये सभी मेमोरी कार्ड के साइज होते हैं। और मेमोरी कार्ड की जो सबसे छोटा साइज होता है वो होता है बीट। यानी कि बीट से छोटा साइज नहीं है मेमोरी का कोई, ये सबसे छोटी साइज की मात्रक होती है। बीट के बाद आता है निबल। आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग इन सभी चीज़ों को समझेंगे। तो निबल का जो साइज होता है वो होता है 4 बीट। यानी सबसे छोटा यूनिट बीट है और एक निबल बराबर 4 बीट हो जाता है। फिर इसके बाद आता है निबल के बाद बाइट, और बाइट का जो साइज होता है वो 8 बीट के बराबर होता है। अगर इन तीन यूनिट को आप समझ चुके हैं तो हम लोग चलिए KB को समझते हैं। देखिए अगर हम 1 KB की बात करें तो 1 KB का जो साइज होता है वो होता है, देखिए, 1024 बाइट। बाइट क्या होते हैं, देखिए बाइट क्या होते हैं, बीट। बाइट बराबर होता है 8 बीट। यानी अब 1024 बाइट मिलके, देखिए 1024 बाइट मिलके 1 KB बन रहा है। फिर अगला यूनिट MB है, तो अगर हम 1 MB की बात करें तो ये हो जाता है 1024 KB के बराबर। इसी प्रकार 1 GB का जो वैल्यू होता है वो होता है, देखिए सब में 1024 लगा दीजिए आप, 1024 MB, यानी कि 1 GB बराबर 1024 MB होता है। फिर अगला यूनिट है 1 TB, जो अधिकतर कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। आप मोबाइल में देखेंगे सिर्फ GB तक होता है। अगला यूनिट TB है, और 1 TB का जो साइज होता है वो 1024 GB होता है। फिर अगला यूनिट PB है, 1 PB बराबर हो जाएगा 1024 TB के बराबर, जो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।